थानोस एक सरफिरा टाइटन किंग जो डेथ के लिए अपना प्यार जाहिर करना चाहता है आदि यूनिवर्स की पॉपुलेशन खत्म करके, और इसलिए वो ढूंढ रहा है 6 सोल जेम्स यानी कि 6 इन्फिनिटी जेम्स। ये वो इसलिए कर रहा है ताकि वो डेथ को इम्प्रेस कर सके, और इसी के साथ शुरू होती है द थानोस क्विस्ट। कॉन्शियस थॉट्स हमें बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, लेकिन कई बार सबकॉन्शियस उससे ग्रेट होते हैं, उससे बड़े होते हैं, और उनमें कई बार कुछ ऐसी चीज़ें कैद होती है जो हम कभी समझ ना पाए, और उन्हीं में से एक है इन्फिनिटी वेल। उसके कॉस्मिक वर्टेक्स में सारा यूनिवर्सल नॉलेज है जो चाहिए थानोस को उन 6 सोल जेम्स यानी इन्फिनिटी जेम्स को हासिल करने के लिए और उनकी ताकत बढ़ाने के लिए। इस रिलीम में हमारे थॉट्स को कोई भी कैद नहीं कर सकता, हम उन्हें उतना फैला सकते हैं जितना हम चाहे। मिस्ट्रेस डेथ का एक सेवक आकर थानोस से पूछता है, थानोस मिस्ट्रेस डेथ जानना चाहती है कि उनके काम में इतनी देर क्यों हो रही है जो तुम्हें सौंपा गया है। तुम्हारे यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन डेथ के जेंटल टच के लिए इंतजार कर रही है, तुम उन्हें दे क्यों नहीं देते वो वरदान। तब थानोस कहता है, क्योंकि इस बार मैं विट्सम से काम लेने वाला हूँ ताकि इस नॉलेज से मैं अच्छी तरह से सर्व कर सकूं डेथ को। ये मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैं मौत से वापस आया। लेकिन तभी वो सेवक कहता है, ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी भी मरा हुआ ही हूँ। तभी मिस्टर डेथ उन दोनों को अपने पास टेलीपोर्ट करती है, जहाँ पर उनका दूसरा सेवक थानोस से पूछता है, मिस्टर डेथ जानना चाहती है तुमने ये जो नॉलेज एक्वायर किया है वो किस तरह से काम में आएगा उनकी डिजायर पूरी करने में, या फिर तुमने ये शैतानियत सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए की है। तब थानोस उन्हें शोर करने के लिए ये कहता है कि उसने पहले भी मिस्ट्रेस डेथ के लिए काम किया है और उसने उन्हें कभी निराश नहीं किया, उनसे अच्छा फेथफुल सेवक उन्हें कोई मिल नहीं सकता। तब थानोस कहता है, मरने से पहले भी मैंने बहुत से जोखिम भरे काम किए हैं डेथ के लिए और मैं इस बार भी वो करूँगा, लेकिन ये मिशन डेंजर में पड़ सकता है बाहर के इंटरफेरेंस से, और जो पावर मेरे पास है उससे सेंचुरीज लग सकती है ये काम करने में, और मेरे स्टडीज के हिसाब से मैंने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला है जो ये काम तेजी से कर सकता है, और इसी के साथ मेरी पर्सनल पावर्स भी बढ़ जाएगी 10 गुना। तब वो सेवक कहता है, लेकिन डेथ ने तुम्हें जो पावर दी है वो क्या काफ़ी नहीं है? उन्होंने तुम्हारी पावर्स पहले से ही एनहांस की है। तब थानोस कहता है, वो काफ़ी तो है, लेकिन मैं उनका काम और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे 6 ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत है जिससे मैं अपना काम ज़्यादा तेज और फोकस से कर सकूँ। तब वो सेवक पूछता है कि 6 ऑब्जेक्ट्स वो कौन से है। तब थानोस बताता है, 6 सोल जेम्स। मिस्टर डेथ का एक सेवक उससे कहता है कि वो पत्थर तुम्हारे पास पहले भी थे जिसकी मदद से तुमने अपने गैलेक्सी के स्टार्स डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तब थानोस बताता है, हाँ, जिसमें मैं फेल हो गया। उस वक्त मुझे उनके ट्रू नेचर के बारे में पता नहीं था, मैं उन्हें एक हैमर की तरह इस्तेमाल करता था जबकि रियलिटी में वो एक सर्जन की छुरी की तरह काम करते हैं। फॉर्चुनेटली मेरी आंखें इन्फिनिटी वेल ने खोल दी है उनके हिडन डिज़ाइन के बारे में, और अगर वो मेरे हाथ में होंगे तो ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मुश्किल होगा, और वैसे भी जिनके पास अभी वो है वो उनके ट्रू नेचर से वाकिफ नहीं है, वो उन्हें एक ट्रेजरी पीस समझते हैं, वो उन्हें एक हथियार की तरह या फिर उससे भी बुरा ट्रीट करते हैं। तब दूसरा सेवक उसे बताता है कि तुम हमेशा से एक द्रोही और स्कीम रचने वाले रहे हो थानोस। थानोस उस पर जवाब देता है, लेकिन इससे हमेशा फायदा हुआ है मिस्ट्रेस डेथ को, इसलिए मैं मांगने की इजाज़त चाहूँगा एक स्पीडर सोल्यूशन उस मुसीबत के लिए जिसे मैं टकराने वाला हूँ। मेरा फर्स्ट सोल जेम जिसके पास है उसका नाम है इन बिटवीनर। तब मिस्टर्स डेथ अपने सेवक के जरिए कहती है, तुम्हें याद है उस बदमाश ने हमें हमारे काम करने से कितनी बार रोका है? उसने हमारे काम में बहुत बार टांग अड़ाई है, उसने हमारा काम हमेशा बर्बाद किया है, और वो माफ़ी के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मिस्टर्स डेथ ये एंजॉय करेंगी कि तुम उसे कैसे हराते हो अपने इंजीनियर्ड किए हुए प्लान से, इसीलिए वो परमिशन ग्रांट करती है, और थानोस के सामने आता है एक फ्लाइंग क्राफ्ट जिसकी तरफ बढ़कर वो सोच रहा था, लक मेरे साथ है,
मेरी खोज शुरू हो चुकी है 6 जेम्स अन इमेजिनेबल पावर्स के साथ। वो फिर एक बार मेरी मुट्ठी में होंगे, जिसकी मदद से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जिसकी मदद से मैं स्वर्ग तक को अपने कब्जे में कर सकता हूँ। और अब स्वर्ग भी मेरे नाम से कांपने लगेगा और वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है।